मैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी बूंदी जिला से जिलाध्यक्ष और हमारे सारा ग्रुप संरक्षक मंडल वगैरह साथ में आए हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि जगह मिलनी चाहिए इसके लिए, और जो गाय सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है उन्हें भी नियत स्थान मिलना चाहिए। हमें स्कूल वालों को भी काफ़ी समस्या है, हमारे बच्चे भी रोडों में जाते हैं, बहुत सी बार गाय बैल वगैरह बच्चों को गिरा देते हैं, इनसे बच्चों को चोट लगती है। तो हम भी चाहते हैं कि इनको नियत स्थान मिले और इनकी सेवा भी। भोपाल गौ संस्थान द्वारा पूर्व में किए गए आंदोलन की वजह से 28 बीघा जमीन को अलॉटमेंट दी गई है, लेकिन नगर परिषद द्वारा वहाँ निर्माण चालू नहीं करवाया जा रहा, इस कारण ये करने पर बैठे हैं। आपका क्या रहेगा इसमें? हम भी आप लोगों के सभी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि इन्हें जगह मिले और नियमित रूप से इन गायों की बैलों की देखभाल भी हो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपका नाम जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करवाया जाए, नहीं तो हम इस धरने पर नियत जब तक नहीं हमें हमारी मांग पूरी होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। बंद करो, बंद करो रे, बंद करो। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। एक दो तीन चार, गो माता की जय जयकार। एक दो तीन चार, गो माता की जय जयकार। एक दो तीन चार, गो माता की जय जयकार। एक दो तीन चार, गो माता की जय जयकार। गो माता की जय जयकार। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी संरक्षक मंडल का सदस्य हूं मैं, और जैसा कि आम जनता को जानकारी है, प्रशासन को जानकारी है, सब लोगों को जानकारी है, जनप्रतिनिधियों को जानकारी है, बच्चे को जानकारी है कि पिछले 16 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही।
मुझे तो लगता है शायद ये इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। अरे जिन्होंने नामांतरण खोल दिया, जगह अलॉट कर दी, फिर नंदीशाला का निर्माण करवाने में कहां बाधा बन रही है भाई है? इन युवाओं को, जनता के इन प्रतिनिधियों को और आंदोलन करना पड़े इस काम के लिए। अरे मूक पशु के लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आंदोलन नहीं चल रहा है ये। और इस कारण से हम तो स्कूल चलाते हैं भाई, लेकिन स्कूल वालों को भी ये सोचना पड़ा कि इस कार्य के लिए समर्थन देना पड़ेगा। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, आप धरना तो चल रहा है, भूख हड़ताल करिए, आमरण अनशन करिए और हम पूरा सहयोग उसमें करेंगे। आमरण अनशन पर सबसे पहले बैठने वाले हम लोग होंगे, लेकिन ये निर्माण कार्य होके रहेगा और निर्माण कार्य करवाना ही है हर हालत के अंदर। ये बहुत ही और दुख की बात है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर यार। ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, छोटा छोटा मोहल्ला जिसमें ये हमारे नंदी नहीं घूम रहे हैं, गायें नहीं घूम रही है, इनका क्या होगा? इन लोग जनता मरेगी, लोग मरेंगे जब चेतेगा विभाग प्रशासन ऐसा ही, तो फिर ठीक है चलने दीजिए, मरेंगे तो दिखेगा ही। तो ये बहुत दुख की बात है और इसलिए हमारी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी की भी ये मांग है कि ये पुनीत कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू होना चाहिए। जय हिंद। गाय हमारी माता है, देश जन का नाता है। गाय हमारी माता है, देश जन का नाता है। गाय हमारी माता है, देश जन का नाता है। गाय हमारी माता है, जनक जनक का नाता है। गाय हमारी माता है, जनक जनक का नाता है। गाय हमारी माता है, जनक जनक का नाता है। गाय हमारी माता है, जनक जनक का नाता है। गाय हमारी माता है, नंदीशाला के निर्माण के लिए ये गोपाल गौशाला जो संस्थान है इनके द्वारा दिया जा रहा धरना बहुत प्रशंसनीय है। और वास्तव में ये सब लोग अपना कार्य छोड़ करके और मूक पशुओं के लिए इतना सब कुछ दे रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं और बड़ा ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए या कोई कारण ऐसा है कि वो नंदीशाला का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र नहीं करवा रहे हैं, ये बड़ा दुख और खेद का विषय है। अब इससे अनेक पहलू ऐसे हैं जिनसे इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। जैसे वृद्ध लोग बड़े परेशान हैं, अनेक लोग उठा करके फेंक दिए गए, उनकी कमरें तोड़ दी गई, बेचारे हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे हैं, हर गली गली में बच्चा जाता है, हर गली में सांड और हर गली में गाय मिलती है, तो इतने दंगल हो रहे हैं कि आप देखिएगा बच्चों के लिए खतरा है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि बूंदी की जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और सब लोगों को आकर के अपने बच्चों के जान माल की सुरक्षा के लिए इनको सहयोग देना चाहिए। हमारा भी इसके पीछे हेतु यही था कि इन बच्चों की सुरक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिनके लिए हम जिम्मेदार हैं उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जब तक सारे नंदीशाला में नहीं जाएंगे ना, तब तक बच्चों को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आए दिन घटनाएं हो रही है, रोज़ शाम को लड़ते हैं, अनेक तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। इसलिए मेरा सरकार से, जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से निवेदन है कि इन लोगों की मांगों पर ध्यान दें और इनको उचित व्यवस्था करवा कर नंदीशाला का निर्माण शुरू करवाया जाए। यही कहते हुए धन्यवाद। विश्वनाथ भारद्वाज, संरक्षक, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी, जिला बूंदी। ये बड़े दुखी बात है कि जो दशा गायों की इस शहर के अंदर है, इससे गायें भी बीच बाजार में लड़ती है, इंसान मर रहे हैं, रोड पे गाय के वाहन टक्कर मार देते हैं, तो टूटी हुई टांगों से खून बहता हुआ रोडे पड़ देती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये धन्यवाद के पात्र हैं गौशाला वाले जो इस काम को हाथ में ले रखा है। हमारा पूरा समर्थन है, जब तक निर्माण नहीं हो जाता नंदीशाला का, तब तक हम लोग धरना देंगे और इनका समर्थन करेंगे। आप भी कहने के राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए, वो के नाम के राजनीति तो क्या कारण है? नहीं, वो रोड के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही। जो ये राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
हम इस राजनीति के चक्कर में नहीं हैं, हम जो सही है उसको सही बोलेंगे। वाकई में नदी सड़क का निर्माण होना चाहिए। आज किसी घर में अगर कोई गाय से मौत हो जाती है तो उस परिवार में जाके कोई पूछे क्या दशा हो रही है उस परिवार की, ये बहुत दुख का विषय है। या कोई गाय अगर रोड पड़ी हुई मरी हुई है या कोई टांग टूटी पड़ी हुई है जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, अरे कोई इंसान की अगर थोड़ी सी लग जाती है तो कितना दर्द होता है। उस गाय कोई सुनने वाला नहीं है, बेजुबान जानवर है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा सबको और इसके लिए करना पड़ेगा। आपको नदी सड़क का निर्माण करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो हम आगे से जो भी आंदोलन होगा ये गौशाला की तरफ से हम तैयार हैं और उसका समर्थन करेंगे। आगामी 24 अगस्त को हमारे बोर्ड की मीटिंग है नंदीशाला निर्माण के लिए। हम इस मुद्दे को उस मीटिंग में जोर शोर से उठाएंगे और नंदीशाला निर्माण करने के लिए अगर हमें वहाँ पे धरना देना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार बैठे। बाकी नंदीशाला का निर्माण करके छोड़ेंगे गुलबर्ग सांड वगैरह, ये ऐसे नहीं बोले आवारा सांड या आवारा गाय नहीं। गाय को अगर माता माना गया है तो वो आवारा कहाँ से हो गई? माँ कोई आवारा होती है क्या? गाय हमारी माता है और वो माता ही रहेगी। क्या बोलना चाहिए इनको? गोमाता बोलना चाहिए। जन्म जन्म का बिल्कुल बेसारा, इनको गोमाता बोलना चाहिए। आपका नाम? शंकर सैनी, पूरा पार्षद, वार्ड नंबर 45। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।